प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे से जो छोटी सी वीडियो आपने देखा होगा, ये घटना भारत में और गुजरात जिले में हुई और दिल दिलाने वाले हादसा है। इसके बारे में प्रभु ने हमें क्या बताया है, बहुत कुछ है बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना संदेश और ये हादसे जो हो रहे इस पर तेरी दया चाहते हैं। पिता जो घायल है उनको पिता चंगाई दे, जो चले गए उनके परिवारजन को शांति तसली दे, इस गम को भूलने के लिए सहायता करे। पिता तू सबको जानता है, वचन प्रार्थना संदेश सब तेरी ओर से है, यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। मेरे जी तो सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें खुद बताया है कि हमें जो लोग दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, वचन खुद कहता है। और रोने वालों के साथ परमेश्वर ने क्या कहा है। दूसरी बात कि परमेश्वर जैसा बताया है कि परमेश्वर क्रोध जो भड़क रहा है, कहीं ना कहीं आप भारत से लेकर बाहर तक हर घटना को देख रहे हो, हर भविष्यवाणी जो 2022 में वो सारी की सारी पूरी हो रही है। इनफैक्ट युद्ध भी दोबारा से एक जगह शुरू होने वाला है, जैसे कि परमेश्वर ने सब कुछ पहले से बता रखा है। हालेलुया। लेकिन मेरे जी तो ये प्रार्थना विषय हम सबके लिए, और ये प्रार्थना है क्योंकि हम एक मसीह लोग हैं, और जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, यीशु मसीह किसी को भी देख कर बीमार तरस खा जाते, रुक जाते थे और उसके लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। वही स्वभाव हमारे और आपके लिए हो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते अरे हमें क्या प्रार्थना करनी, हम क्यों करें। नहीं मेरे जी तो प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। भारत के लिए प्रार्थना करो, भारत के हर नेता के लिए, अभिनेता के लिए, हर किसी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हर एक जान बचनी चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है और परमेश्वर ने वचन भी दिया है। तो आज का टॉपिक इस भारत में जो हादसा हुआ है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का जान का नुकसान हुआ है और बहुतों की जान गई है, जो एक एक परिवार में से 6 से 7 लोग गए, उस परिवार में कहर बन के टूटा है ये हादसा। ये चीखे, ये रोना दिल को हिला देता है। ये सिर्फ आपको इसलिए बोला गया है, हम और आप प्रार्थना योद्धा है, हम और आप परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है। धन्य है हम और आप जो प्रार्थना करने आती है। यही मसीह भाईचारा है कि हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर दया मांगेंगे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन हम सबके लिए जीवन में अद्भुत काम करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। वचन है रोमियो उसका 12 उसका 15, रोमियो अध्याय 12 उसका 15 कहता है, 14 से 15 से पढ़ूंगा, 14। अपने सताने वालों को आशीष दो। देखो परमेश्वर सताने वालों के लिए कह रहे, आशीष दो श्राप ना दो, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक समान रखो, अभिमान ना हो परंतु दिनों की के साथ संगति करो, अपने देश में बुद्धिमान ना हो, बुराई से बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता करो। हालेलुया। चिंता क्या करो, खुद परमेश्वर में बताया है कि रोने वाले के साथ रोना। कैसे रोना है, मतलब तरस के साथ रोना, आत्मा में रोना है कि कितना हादसा हो गया, हम उनके लिए प्रार्थना करें। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस चैनल पर भी आपका स्वागत है। मेरे तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना संदेश बोलना सब तेरी ओर से हुआ, धन्यवाद करते। मैं प्रार्थना करता हूँ हाथ उठा के, दया चाहता हूँ पिता भारत के लिए और हर एक इंसानों के लिए। पिता दया कर, दया कर, दया कर, फिर भी हमारे नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। पिता जितने लोग घायल हैं उनको चंगाई दे, जो लोग चले गए उनके परिवारों को शांति दे। पिता जो लोग मिसिंग हैं उनको मिला और एक अद्भुत कार्य करा, पूरे भारत में तेरा जलाल हो। जितने भाई बहन मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को आंसर देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।